हम आपको बताएंगे कि रेखा को कैसे नापा जाता है और कैसे खींचा जाता है। एक रेखा का नापना व खींचना सीखने से पहले हम आपको ये बता दें कि रेखा किसे कहते हैं। बिंदु जो कि एक क्रम में लगे हों, एक रेखा का निर्माण करते हैं। किसी भी रेखा का खींचना व नापना जानने से पहले उसके लिए आवश्यक है कि हम ये जान लें कि खींचने व नापने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। किसी भी रेखा को खींचने व नापने के लिए एक पटरी जिस पर सेंटीमीटर व इंच के खाने सुस्पष्ट रूप से अंकित हो, एक नुकीली पेंसिल व एक दो सुइया प्रकार की आवश्यकता होती है। किसी भी रेखा को खींचने से पहले हमें माप की आवश्यकता होती है। मान लिया हमारी माप है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचने के लिए हमें अपनी पटरी पर सेंटीमीटर के खानों में तीन दशमलव पांच सेंटीमीटर के लिए बिंदु लगाने होंगे। सर्वप्रथम जहां से खाने आरंभ होते हैं वहां पर एक बिंदु लगाया व उसके बाद सेंटीमीटर के खानों में 3 सेंटीमीटर गिनकर 1, 2, 3 व 0.5 के खानों को 5 खाने आगे गिनकर फिर एक बिंदु लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद इन दोनों बिंदुओं को हम अ व ब नाम देंगे। इसके पश्चात अपनी पटरी की सहायता से इन दोनों बिंदुओं अ व ब को मिला दिया। इस प्रकार हमने 3.5 सेंटीमीटर की एक रेखा का निर्माण किया। हम आपको दिखाएंगे कि इंच में रेखा कैसे खींची जाती है। इंच में रेखा खींचने के लिए हमारी माप होगी 4.5 इंच। 4.5 इंच की एक रेखा खींचने के लिए जहां से इंच के खाने प्रारंभ होते हैं वहां पर एक बिंदु लगाया व उसके पश्चात 4 खाने गिनने के बाद 5 छोटे खानों को गिना, 1, 2, 3, 4, 5। और इन दोनों बिंदुओं को हमने क व ख नाम दिया। इसके पश्चात अपनी पटरी की सहायता से हमने इन दोनों बिंदुओं क व ख को मिला दिया। इस प्रकार हमने 4.5 इंच की एक रेखा का निर्माण किया। अब हम आपको बताएंगे कि सेंटीमीटर में रेखा कैसे खींचेंगे। सेंटीमीटर की एक रेखा खींचने के लिए सर्वप्रथम हमारी माप होगी 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचने के लिए अपनी पटरी पर हम जहां से खाने आरंभ होते हैं वहां पर एक बिंदु लगाया
उसके पश्चात 15 खाने गिनकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 खाने गिनने के बाद एक बिंदु लगाया। इन दोनों बिंदुओं को हमने अ व ब नाम दिया। अब अ व ब बिंदुओं को अपनी पटरी की सहायता से हमने मिला दिया। इस प्रकार हमने 15 सेंटीमीटर की एक रेखा का निर्माण किया। तो आपने जाना कि एक रेखा को इंच व सेंटीमीटर में किस प्रकार खींचा जाता है, और अब हम आपको बताएंगे कि एक रेखा को नापा कैसे जाता है। किसी भी रेखा को नापने के लिए आवश्यक है कि हमें एक स्केल का पूरा पूरा ज्ञान हो। स्केल के एक तरफ इंच के खाने होते हैं व दूसरी तरफ सेंटीमीटर के खाने होते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि रेखा कैसे नापी जाती है। हमारे पास दी हुई रेखा है, इसे हम इंच में नापेंगे। इस रेखा का नाम है अ व ब। दी हुई रेखा अ ब को नापने के लिए सर्वप्रथम अपनी पटरी को अ बिंदु पर रखेंगे। इसके पश्चात इंच के खानों को गिनना शुरू करेंगे, 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार हमने इस दी हुई रेखा को नापा और इसकी माप आई 4 इंच। अब हम एक और रेखा को नापेंगे। हमारे पास दी हुई रेखा है क ख। अब इस क ख रेखा को हम सेंटीमीटर के खानों में नापेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इस प्रकार हमारी दी हुई रेखा क ख की माप होगी 16 सेंटीमीटर। किसी भी रेखा को नापने के लिए एक स्केल के अलावा दो सुइया प्रकार की भी आवश्यकता होती है। अब हम आपको बताएंगे कि किसी भी रेखा को दो सुइया प्रकार की सहायता से किस प्रकार नापेंगे। माना हमारे पास दी हुई रेखा है अ ब। अ ब रेखा को नापने के लिए सर्वप्रथम दो सुइया प्रकार को की एक नोक को अ सिरे पर व दूसरे सिरे को दूसरी नोक को ब सिरे पे ब बिंदु पे रखा। अब दो सुइया प्रकार को उठाकर हमने अपनी पटरी पर सेंटीमीटर के खानों में इस प्रकार रखा। अब हम इस
इस रेखा की माप को इस स्केल पर गिनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, छः के बाद मिलीमीटर के खाने हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात। इस प्रकार हमारी इस रेखा का माप हुआ 6.7 सेंटीमीटर। तो आपने सीखा कि किस प्रकार एक रेखा को स्केल व दो सुइया प्रकार की सहायता से नापा जा सकता है।